भैया ये सब आपने किया है? ओ नहीं ओए जियो ते पट्टी चल ओए जा दफा हो तुम्हें तो डर सीना की तो है। क्यों बेटा ऐसा क्यों? ओ माँ जी मेरे गुर्दे च पत्थरी है। ओ क्या बात है, क्या बात है? हाय हाय ओए ओथे ते वेला बै बै के मेरे हाथ सुन पैर सुन टिड बार ओए होए होए ते जवाब लंबी ओए ठाकरा हाँ ओए कौन है दो लत्तां वाला गीजर? तमीज से बात करो। डॉक्टर ने मैंने कहा अगर तू दो महीने और शराफत बखाई तो तेरा मुंह इंज हो जाएगा जिवें गुज्जर दे स्टाल दी सज्जी होंदी है। ओए 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 बेटा ये तो थे पहले तो काफी आदमी थे सरदार, मगर जब से ये मुंह ही तब्दीली आई है बस यही बचे हैं। क्यों कहां मर गए सब? मरे नहीं सरदार, रिजाइन कर गए। वो सब रिजाइन कर गए और ये यहाँ बैठे हैं खाली हाथ, ये समझकर कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों खाली हाथ नहीं बैठे सरदार, ये सभी अच्छे मौकों की तलाश में हैं और काफी तो लेटर दबाए बैठे हैं। बसंती समझाओ इनको। ओ भाई ओ मैंने तो मजाक किया था, ये सारे सीरियस हो गए। सरताज, ओ मेरा मतलब है सरदार। बसंती तुमने मुझे सरताज कहा? जी सरदार, ये सच है, ये सच है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपसे प्यार चाहना चाहती हूँ। बसंती तुम्हारी इतनी हिम्मत, जानती नहीं जब भी कोई अफसर कंपनी से 60 मील दूर जाने की कोशिश करता है तो उसे गब्बर का फोन आ जाता है। हेलो भाईजन किथे, अभी पिछले महीने तो गए थे आप पहुंचे प्लांट में। जी सरदार, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप नौकरी करके सीधी सादी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और नौकरी और मैं ना बाबा ना, और मेरे से नहीं हो सकता। इन सब की तरह पहले सारा दिन ऑफिस में यस सर, उसके बाद शाम को ग्राउंड में जाके गुड सर, और रात को फिर घर जाके और पलिए लोगे बस कर बस कर। और पहले तो मैं फिर भी कर लेता नौकरी, और लेकिन अब मेरे से ये नौकरी वोकरी नहीं हो सकती। वो क्यों? ओ भाई ओ अब तो कम बखत KPI वाला सिस्टम आ गया है। KPI वो क्या होता है? ओ भाई की खुद इंडिकेटर्स। ओ भाई ओ जैसे चाहो बना लो, जैसे चाहो पूरे कर दो। हाँ अगर मैं तुम्हें ऐसे ही कबूलूं फिर ठीक है। जी सरदार, आप मुझे ऐसे ही कबूल हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? मैं आपके लिए रो रो के अपनी जान भी दे सकती हूँ। दिल का पागल है, दो कड़ियां रो के चुप कर जाओ, जित सारी दुनिया छड़ गई तेरे बिन भी सर जाओ। ओ मुझे तो तुम माफ कर दो, मेरा नहीं इरादा, ओ मैं बड़ा कमजोर कुड़िए तेरा वजन है ज्यादा। अगर तू मेरे ऊपर गिर गई मैं गरीब तो मर मुक जाऊं। गब्बर ओ भाई ओ तुम पहले अपनी कोई फिटनेस पर ध्यान दो, ओ खा खा के तुमने अपना मुंह ऐसे कर लिया जैसे हाथी का पैर होता है। और क्या करूं मैं फिटनेस के लिए, रोज सहेलियों के साथ इतनी तो वॉक करती हूँ। ओ जो तुम सहेलियों के साथ करती हो ना उसको वॉक नहीं
चुगलियां कहते हैं। तो तुम ऐसा करो, सुबह जाया करो मसूआ पे, वो वहां भैंसे निकलती है, तुम भी उनके साथ वॉक पे निकल जाया करो। गब्बर मरने का इंतजार हो रहा है। गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा इतना तू ड्रैग कोला। बसंती बदबख तू भूल गई, गब्बर ने मेरे दोनों हाथ ले लिए, मैंने तुझे मना किया है ना इससे ना मिलाकर। ठाकुर ठाकुर बसंती का हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ओए तू मेरे हाथ तो ले ही चुका है, ओ बसंती के भी हाथ ले ले, ओ इन सब के हाथ ले ले। ऑक्टोपस बन जा कमीने ऑक्टोपस। ओए लेकिन ये टीचर के हाथ ना ले, ओए इनके साथ तो वैसे ही हाथ हो गया है। ठाकुर मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर तूने बसंती की शादी मुझसे ना की तो मैं इसको उठा कर ले जाऊंगा। उठा कर ले जाऊंगा, उठा सकता है तो उठा ले। और नहीं नहीं नहीं, उठाने का प्रोग्राम कैंसिल। क्रेज तो सारी फन फिर पे एंगेज है। ओ अगर तूने इसकी शादी मुझसे ना की और किसी और से करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी गोली मार दूंगा और उन सबको भी। ओए जा दफा गोली मार दूंगा, बड़ा है, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना आऊंगा मैं। हाँ हाँ निकल निकल। बसंती बदबख मैंने तुझे मना किया है ना तो इससे ना मिलाकर। किधर है तेरी माँ? घर में ये सब कुछ चल रहा है, तेरी माँ तो कोई अता पता नहीं। अब्बा अम्मा तो रहे तो ब्यूटी पार्लर देंगे हमेशा की तरह। एक तो मैं ये रहने दो, ब्यूटी पार्लर से बड़ा तंग हूँ, तनख्वाह मेरी आधी उधर चली जाती है, लेकिन चीज भाई पुरानी की पुरानी। ठाकुर साहब मैं कैसी लग रही हूँ? ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए अगर आज मुझे आयतल कुर्सी ना आती ना ओ मैंने इधर ही मर जाना था। टन 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 टन। हेलो अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। ओ वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। कर्नल साहब क्या हाल चाल है? ओ जनाब ठीक ठाक हैं खैरियत से। कर्नल साहब क्या चल रहा है? और ओ जी चल रहा क्या है जी, ओ पहले फौज में थे आजकल मौज में है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह कर्नल साहब बहुत खूब। करण साहब वैसे आपका ओए दस कतल वी अब्बा, ओए 15 वार दाता। ओए भैया ये सब आपने किया है? ओए नहीं ओए जियो ते पट्टी चल। ओए जा दफा तुमने तो डर ही दिया। ओए ओ मुझे हाथ ना लगाई। तनु हाथ ना लावा तनु पेंट होया। अरे पता है ओए ठाकरा ओए कोई बदमाश लब के ले आ जड़ा मेरे हाथ ते च हाथ पावे ते चाकू नाल मेरा सीना चीर दे। क्यों बेटा ऐसा क्यों? ओ माँ जी मेरे गुर्दे च पथरी है। ऑपरेशन कराने वास्ते पैसे नहीं, डॉक्टर ने क्या किसी दिन लड़ाई कर आपे निकल जाएगी। और जी मौला जट ये बताओ इस बदमाशी के अलावा और क्या कर लेते हो? और जी पहले मैं बड़ा शरीफ आदमी सी, इंजीनियर सी, इंजीनियर इंजीनियर सी। ते मैंनू नौकरी मिली प्रोसेस इंजीनियरिंग दी। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है।
अपना तबादला करा लिया प्रोडक्शन। बस जी उन्होंने दो महीने मेरे सारे फॉल्ट दुरुस्त कर दिए। पुठे रोटे रेस्टोरेंट की ड्यूटी है ओ जी मेरी जबान बंद ओ मेरी आवाज ही ना निकले। ओए 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 बहुत बुरा हुआ बेटा। फिर क्या हुआ? बस मैं फिर घबरा के चला गया डॉक्टर कोल। डॉक्टर ने मैंने कहा अगर तू दो महीने और शराफत बखाई तो तेरा मुंह इंज हो जाएगा जिवें गुज्जर दे स्टाल दी सज्जी होंदी है। मुलाजमत करता था वहाँ पे मेरी मैनेजर की प्रमोशन आ गई उन्होंने मेरे हाथ काट दिए। कहते अब इसने कौन सा काम करना है। बड़ी ज्यादती है जी बड़ी ज्यादती है। वैसे ठाकरा कम नहीं थे अजकल है रे तू ए दस तू बगैर हत्ता तू केपीआई किस तरह बनाऊंगा। केपीआई ओ भाई जिनके हाथ हैं वो कौन से खुद बनाते हैं। वो सारे राज अज्जी दसेगा। साहब जी एक मसला हो गया है। ओ मसला ओ तू कभी खैर की खबर न ले। क्या हुआ? चाय किसने पीनी थी? चाय मौला जट ने। ओ जल्दी से चलकर बाहर नाली को मुंह लगा। ओ क्यों? ओ चाय सिंह में गिर गई है। ओ बड़ा ही कोई बदतमीज है यार दूसरी चाय बना ले। जी मैं मौजूद चाहता हूँ ये बड़ा बदतमीज नौकर है तेरा यार। जी माफी माफी सर मैं माफी मांगता हूँ। ठाकरा जिस कुड़ी के रिश्ते वास्ते मैंने बुलाई ओ किधर है? हाँ जी अभी बुला देता हूँ। बसंती ओ बसंती ओए होए 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 ओए होए ओए ठाकरा हाँ ओए कौन है दो लतां लगी जर तमीज से बात करो। बड़ा ग्रीस के डब्बे जैसा मुंह है तुम्हारा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती मेरा तो खर्चा ही बहुत है। और कितना खर्चा है तेरा? 20 से 25 लाख। हैं? 20 से 25 लाख? वो इतना खर्चा तेनु कैंसर है? वैसे बसंती जी तुसी करदे की हो? मैं डॉक्टर हूँ मेडिकल सेंटर में। हाँ ओ देखे ने जी डॉक्टर बड़े मेडिकल सेंटर दे पर टी ब्रेक इंज करते ने बाजमात जिवें जुम्मे दी नमाज हो रही। वैसे बसंती जी तुसी किस चीज दे डॉक्टर हो? दिमाग की साइकेट्रिस्ट हूं। हां साइकेट्रिस्ट ते फिर ए दसो इस टाइम मेरे दिमाग च की चल रहा है? ऑफ कोर्स फुल टाइम पे बैठती। ओए मन गया रे सही साइकेट्रिस्ट। वैसे ठाकरा इस तरह की कुड़िया दीवार से टक्कर मार के कह दिया ने ए देखो जुआ मारने का नया तरीका। वेरी गुड अजी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। रब रखा बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया। लड़का तो बड़ा मुनासिब था। कोई कर सकता है भैया? अच्छा यार तमाम को तो छोड़ बस ये 3-4 गायब कर दे हमारी जिंदगी तो सुकून में आए। और दूसरी खत खूब बहुत खूब। अच्छा ये बताओ ये जो
डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब हड्डिया ठाकुर साहब, इनके दिमाग में तो बस छुट्टियां चल रही हैं। अरे वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। ये बताओ वो जो कोने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ठाकुर साहब, उसका तो दिमाग ही सुन है। दिमाग ही सुन है, क्यों भाई? वो ठंड की वजह से ठाकुर, ठंड की वजह से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आखिरी सवाल, ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये जो एचआर वाले बैठे हैं, इनके दिमाग में क्या पक रहा है, ये बताओ। ठाकुर, इनके दिमाग में जो पक रहा है वो इन्हें खुद भी नहीं पता ठाकुर। अरे भाई कबूल है हमें ये रिश्ता कबूल है। आदमी से शादी नहीं करनी, इसका हुलिया तो देखो, शैल बालों का खुसरा। अरे बेटा तमीज से बात करो मेहमान। अरे हमारे पास पैसा भी बहुत है, हम हेड ऑफिस में जॉब भी करता है और साइड बिजनेस भी है हमारा। जॉब के क्या है, कल को तुम्हें कंपनी ने निकाल दिया तो? ओ जी, कंपनी हमें नहीं निकाल सकती क्योंकि हमें मालूम है सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। अरे बेटा बात तो तुमने, लेकिन बेटा ये बात याद रखना, तारीख गवाह है, जहां जहां डैडी सन सर्वे हुआ वहां ना डैडी की इज्जत रही और ना सन की। बसंती की मां, बुलाओ गब्बर को। इधर है ना कांगड़ी पहलवान। ओए ठहर यार, दोग कशला लगवाता हूँ कश तुम्हारे। होकर रहेगा, आज यहाँ होगा डैडी सन सर्वे। डैं 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 चुप, डैं डैं डैं। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की कौमी जबान है ये। सही जवाब। और नदियों का तो मुझे पता कोई नहीं, हाँ लेकिन नाले शलवारों से निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। तीसरा सवाल, सबसे मजलूम शख्सियत कौन सी होती है? तुझे सबसे मजलूम शख्सियत शादीशुदा मर्द होता है, सारा दिन बॉस की सुनता है, घर आके बीवी की सुनता है, कुछ अरसे बाद किसी की नहीं सुनता। नहीं है, मैं दस रहा और सब तो मजलूम है, टीचर ने जेड़े इत्थे बैठे ने और जदों ने इन्हां दे बोनस मरे ने, ए दही लैण वी जान ते उहनूं कहिंदे ने भाई सानूं शापर दा डिस्काउंट दे दिओ, दही पावर टॉप च पा दिओ। ओ जी मैं बताता हूँ, ओ जी सबसे मजलूम तो वो है जिसे कंपनी ने कहा जा तू जनरल मैनेजर, एक्टिंग भी करा रहे हैं लेकिन लेटर कोई नहीं दे रहे। बिल्कुल दुरुस्त। ओए रुको ओए रुको, मैं बताता हूँ सबसे मजलूम कौन है। ओए वो जो फन फेयर में नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते हैं लेकिन दिसंबर में उनको सब भूल जाते हुए। आखिरी सवाल, ये पावा क्या होता है? ओ जी चार पाई के होते हैं, चार पावे। ओ नहीं ओए, मैं दस रहा पी के फड़ी होए ते पीछे पीछे हो जाओ। मीरपुर का एक कोई पावा सलीम लावा, सलीम लावा। गब्बर तुम बताओ। ओ मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। ओ जी अगर यूनिट से जाए आपकी रेटिंग सी और ऊपर जाकर हो जाए ए, ओ जी इसका कहते हैं पावा। गब्बर ने मैदान मार लिया। ओ जी कबूल है कबूल है कबूल है, गब्बर मुझे बसंती के लिए कबूल है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बसंती बेटा नाचो। बसंती बसंती, इन कुत्तों के सामने ना नाचना बसंती। गब्बर नौकरी की नजर की।